और ये रेडी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में वाक़े एग एंड सैंडविच नामी रेस्टोरेंट में। अच्छा जनाब, तो ये सैंडविचेस आज़रबैजान से मुतासर होके यहाँ मुतारिफ़ कराए गए हैं। इसके अंदर जो हमें मुनफरिद लगा वो था वॉफ़ल सैंडविच, जो आम तौर पर यहाँ नहीं मिलता। ये किस कीमत पर फ़रोख्त किया जाता है और इसे किस तरह तैयार करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं वॉफ़ल बना रहा हूँ, सबसे पहले वॉफ़ल बनाऊँगा। इसका बैटर मैंने डाला है वॉफ़ल मेकर में, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये बटर डाला है मैंने इसको, और गार्लिक डाली, और मैंने डाला बीफ। कैप्सिकम और ये अनियन, ये बटर डाला हमने, लावा ये सॉस डलेगी हमारी। चीज़ डाली है मैंने और ये रेडी है। जी जी, 1 2 3 ये रेडी है। वॉफ़ल सैंडविच ये इट्स न्यू इन द मार्केट। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, ये एक सैंडविच इसमें जो बीफ हम ऐड कर रहे हैं और उसका बीफ का जितना भी हम स्पाइसेस वगैरह हम ऐड करते हैं, एक्चुअली वो रेसिपी थोड़ी सी अज़रबैजान की तरफ से। और तो व्हाट वी डिड कि हमने इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ हमने इसको लोकल टेस्ट भी दिया, क्योंकि अगर 100% कहीं किसी जगह का टेस्ट होता है तो अगर लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं होता तो वो शायद उसको लाइक नहीं करते। तो हमने थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने की कोशिश की है और लोकल टेस्ट हमने थोड़ा सा दिया है। और वॉफ़ल का कॉन्सेप्ट इस वजह से है कि वॉफ़ल आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन था जब हमने ये स्टार्ट किया था। तो वॉफ़ल थोड़ा सा स्वीट होता है और जो उसके अंदर मटेरियल डलता है बीफ वगैरह, वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो व्हेन स्पाइस एंड स्वीट जॉइंस टुगेदर, सो एक नया टेस्ट डेवलप करता है, जो कि अब तक का जो फीडबैक है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। वॉफ़ल सैंडविच हमारे पास सिंस ये वन ऑफ द प्रीमियम, तो इसकी प्राइस हमने 550 रुपीज़ रखी है। बट डेफिनेटली हम इसको डिस्काउंट्स वगैरह हम ऑफर कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, तो वो बिलो 500 का ही पड़ जाता है। मैं बना रहा हूँ बीफ बिबारी। सबसे पहले से मैंने डाला बटर और अब मैं डाल रहा हूँ उसमें गार्लिक। इसको थोड़ा सौते करूँगा ताकि अपना फ्लेवर इन्हेंस करे इसमें। उसके बाद मैं डालूँगा इसमें बीफ, बीफ ही हमारा 90% कुक्ड होता है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें वेजीज, कैप्सिकम डाली मैंने, अब ये अनियन डाली है और ये मशरूम्स। ये आप बेसिक मसाले यूज़ हैं, रेड पेपर, वाइट पेपर, क्रश चिली। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑयस्टर सॉस। बस अब इसके असेंबलिंग करते हैं। ये बीफ बिबेरी जो है, एक्चुअली बिबारी कह लें या बिबेरी कह लें, अक्सर लोग उसको बिहारी समझते हैं लेकिन बिहारी नहीं है, ये बिबेरी है। बिबेरी जो है आज़रबैजान के अंदर सैंडविच को कहते हैं। सो ये एक्चुअली अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो बीफ सैंडविच टाइप का है, बट सिंस द रेसिपी इज़ फ्रॉम द आज़रबैजान और इसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स, डेफिनेटली हमें जब हम इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे थे तो हमें बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो थोड़े से हमें स्लाइट मॉडिफिकेशन किया, बट रेसिपी इज़ 100% आज़रबैजान की। बीफ इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एंड देन कुछ सॉल्ट है हमारे, कुछ स्पाइसेस हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो रेसिपी एक्चुअली ड्राई इज़ बीइंग ड्राई फ्रॉम द आज़रबैजान। तो
इसके लिए जो हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेंच विनोसा ब्रेड है, जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। बीफ बिबारी इस वक्त 450 रुपीज़ का अवेलेबल है, 450 रुपीज़ का अवेलेबल है बीफ बिबारी, एंड इट्स गुड इनफ फॉर वन पर्सन। मैंने इसका जब टेस्ट किया तो मुझे बीफ का, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक का बहुत अच्छा एक यूनिक टेस्ट आया है सैंडविचेस में। सैंडविचेस तो हमने बहुत सारे किस्म के खाए लेकिन ये एक डिफरेंट है।